स्टूडेंट आपका आप ऐसे क्रैक यूपीएससी डेली हिंदी 12 बेसिस पे आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि जल के प्रबंधन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के संकट इसमें हैं और कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रभावी कदम किस प्रकार से इसको संरक्षित करने के लिए उठाए जा सकते हैं उससे संबंधित ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं। हम आज इसके सभी डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। ये मिहिर शाह जी का आर्टिकल है जो कि शिव नाडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं, साथ ही साथ जो 2015 में वाटर के प्रबंधन संबंधित जो एक समिति बनी थी उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, है ना। तो यदि हम बात करके जिस प्रकार से आज जो जल संकट की समस्या को देखने को मिल रही है न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि तो वैश्विक समस्या भी बन चुकी है। जहाँ पर से बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका के कैपटाउन शहर जैसे में डे जीरो डिसाइड करने की जरूरत पड़ गई, वहाँ पर इस प्रकार से जल की समस्या देखने को मिलती है। तो वहीं भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो चेन्नई जैसे शहर है ना कि जिसकी लगभग 5 से 6 झीलें जो कि यहाँ पर पानी सप्लाई करते थे वो सूख चुकी हैं। वहीं जो यहाँ पर कितनी ज़्यादा भयावह समस्या से लोगों को पानी जल संकट का सामना करने को मिल रहा है। तो उसी उसी संदर्भ में देखा जाए तो भारत में भी हालांकि भारत ने भी सरकार ने कुछ जल शक्ति मंत्रालय जैसे कुछ प्रभावी कदम उठाने के प्रयास किए हैं ताकि इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ साथ से साथ विशेषज्ञों के माध्यम से इसको जो है तो इस समस्या को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जा सके। तो वही हम ये बात करते हैं कि आज यहाँ पर रहीम दास जी का दोहा बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून। तो वही बात यहाँ पर आज स्पष्ट हो रही है कि पानी के यदि हम उसकी महत्ता को समझ करके उसको हम संरक्षित करने का प्रयास नहीं करेंगे तो इसके पानी के ख़त्म होने के बाद निश्चित तौर पर मानव जाति किसी का भी एक प्रकार से अस्तित्व ही संकट में खड़ा हो जाएगा, है ना, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ कि जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि पानी को जहाँ ढांचागत क्षेत्र में भारत के संदर्भ में बात की थी, भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण संसाधन होने के बावजूद भी इसमें इसको संरक्षित करने संबंधित कोई ज़्यादा प्रभावी कदम उठाए नहीं गए हैं, है ना। यदि बात करते हैं कि यहाँ पास जो है तो ये जो सुधार के पानी के प्रबंधन से जुड़े सुधार है तो उसके अभाव के कारण न केवल लोगों की आजीविका भी गंभीर संकट उत्पन्न होता है बल्कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि है उसको भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गंभीर नुकसान देखने को मिल सकता है। यदि हम बात करते हैं कि यदि आज़ादी के बाद से बात करते हैं कि जल प्रबंधन की स्थिति कैसे इस प्रकार से भारत में इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि जहाँ पास जैसे कि लोग एक तरफ तो पानी को जानते हैं उसका मतलब पीने के लिए प्रयोग होता है तो वहीं दूसरी ओर सिंचाई के तौर पर उसका इतना ज़्यादा अपव्यय होता है ना। वहीं एक तरफ जहाँ सतही जल का इतना ज़्यादा दोहन देखने को मिल रहा है तो इससे भूमिगत जल भी निश्चित तौर पर प्रभावी होता है। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को हमें जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम इसकी महत्ता को नहीं समझेंगे और इसको हम संरक्षित करने के लिए कर से प्रभावी ढंग से नहीं कदम उठा पाएंगे, है ना। तो निश्चित तौर पर हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए कि यदि हम किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, है ना, एक चीज़ का उपयोग करते हैं, हमें ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि दूसरी जगह पर उसका किस प्रकार का दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है ना। तो उसी संदर्भ में हम बात करते हैं कि ऐसे बहुत से मौके आए हैं जहाँ पर जैसे पेयजल स्रोत सूखने की बात की जाए तो यहाँ पास जैसे कि पेयजल स्रोत जब सूख गए तो किसानों ने तो उसका इस्तेमाल एक प्रकार से अपनी फसलों की सिंचाई के लिए भी शुरू कर दिया, है ना। तो इससे जो है तो और भी ज़्यादा संकट गंभीर संकट हो जा उत्पन्न होने लगा कि जैसे भूमिगत जल का जरूरत से ज़्यादा दोहन होने से जो नदियों की भी सूखने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज होती गई क्योंकि जब भूमिगत जल होता है वही तो मानसून खत्म होने के बाद नदियों में प्रवाह बनाए रखता है और नदी प्रवाह और उसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी जल ग्रहण क्षेत्र के नष्ट होने के बाद निश्चित तौर पर प्रभावित होती है क्योंकि जब साथ ही साथ यदि बात करते हैं कि इसमें से बाढ़ आने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जब अतिरिक्त जल की निकासी के जो प्राकृतिक इंतजाम हैं वो या तो अवरुद्ध हो जाते हैं या अतिक्रमण का शिकार हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर विभिन्न प्रकार की बाढ़ जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि जैसे कि पानी संबंधित हम इसकी यदि हम चुनौती की जो हम जड़ की बात करें तो ये कहाँ पर किस प्रकार से है तो इसके आधार पर हम बात करें तो देश में जो मौजूद जल भंडार का विभाजन है तो वही इस प्रकार से बेहतर तरीके से है, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पास ये देखें कि हम पानी के तो बहुआयामी चरित्र को ठीक से समझा ही नहीं है, है ना। जिस प्रकार जैसे सतही जल के प्रबंधन का दायित्व तो जो है तो केंद्रीय जल आयोग पास है, ठीक है, CWC के पास है, जबकि जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है CGWB तो वो तो भूमिगत जल की निगरानी करता है, अलग अलग है। साथ ही साथ हर एक राज्य में भी इसी के समकक्ष संगठन भी इसी प्रकार के हैं जो में आपस में केंद्र और राज्यों के बीच में मतलब एक प्रकार से गतिरोध देखने को मिलते रहते हैं। तो इनमें भी कुछ
खास सुधार देखने को नहीं मिला है। वही इससे भी भयावह स्थिति तो ये है कि जो भारत में जो पानी के लगभग 2/3 से भी अधिक जो पानी जो भूजल होने के बावजूद इसकी जो अहमियत है उसके उलट जो केंद्र और राज्यों के स्तर पर जो भूजल विभाग है वो बहुत ही कमजोर स्तर पर, उस पर कोई ज़्यादा खास प्रभावी कदम नहीं उठा पाए हैं वो, है ना। जबकि भूजल जो है तो पानी भारत के उस लिहाज से बात करें 2/3 से भी अधिक है। तो इससे भी तो बुरी बुरी बात यह है कि यदि हम बात करते हैं कि जल जल जो है तो मुख्य रूप से सिविल इंजीनियरों के भरोसे है, ठीक है। सतही जल की बात की जाए कि सतही जल जो होता है तो उसको कौन मैनेज करता है, सिविल इंजीनियर, ठीक। जबकि जो भूजल की बात करते हैं तो भूजल जो होता है तो भूजल की जो देख रेख जो करते हैं तो वो हैं अपने भूविज्ञानी, जल भूविज्ञानी। तो ये जल भूविज्ञानी हैं तो ये इस बात को ही पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं कि जो पानी के बेहतर साज संभाल के लिए जो विभिन्न पेशे विषय के जो पेशेवर हैं उनकी महत्वपूर्णता यानी उनकी इम्पोर्टेंस है ना, उसको डिनाई करते हैं, है ना। जैसे कि यदि बात की जाए कि जो अपनी नदियों में एक प्रकार से नदियों को नई जान फूकने की भारत की जो प्रतिबद्धता है और जन समर्थन के बावजूद भी हमारे पास देश में कहीं भी जल प्रबंधन से जुड़े कोई भी खास संगठन या कोई नदी पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पारिस्थितिक अर्थशास्त्री जो है तो इनमें नहीं है ना। जबकि उसकी ज़्यादा महत्वपूर्णता होती है वही हर डायमेंशन से इन चीज़ों को समझता है बेहतर तरीके से। तो उसके यानी कि यहाँ पास हम अभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यदि बात करते हैं कि जो पानी की ज़्यादा जरूरत वाली जो फसलें हैं जैसे कि चावल है, गेहूँ है, गन्ना है ना, तो इनके प्रभुत्व वाले जो कृषि क्षेत्र हैं उसमें पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो निश्चित तौर पे ये भी एक कह सकते हैं कि कृषि एक विषम पद्धति, इसको देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यानी कि एक तो ऐसे भी कृषि में लगभग लगभग 85% पानी जल जो है तो कृषि के सिंचाई क्षेत्र में ही प्रयोग हो जाता है। साथ ही साथ ही हम बात करें कि चावल, गेहूँ, गन्ना ये तो बहुत ही ज़्यादा जल वाली फसलें हैं। तो निश्चित तौर पर हमें इस दिशा में मतलब कि कुछ प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है ना। तो वही हम बात करते हैं कि जल प्रबंधन के संदर्भ में बात करते तो वहाँ पास अफसरशाही में भी एक भी कृषि विज्ञानी नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि जिस चीज़ का मतलब कि जिस क्षेत्र में हम इसके प्रबंधन करने की बात करें वहाँ पास स्पेशलिस्ट व्यक्ति है ही नहीं, है ना। तो ये भी एक प्रकार की समस्या है कि इसीलिए जो है तो उसमें बेहतर तरीके से कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं क्योंकि उसकी बारीकियों को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। वही एकदम बात करते हैं कि पानी की जो बेहतर तरीके से मैनेजमेंट वहीं हो पाया है जहाँ पास स्थानीय समुदाय ने भी उसका एक प्रकार से सपोर्ट किया है ना। तो यानी कि हमें ये पता होना कि इनकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि अकेले तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है यहाँ पर जब तक कि जन समर्थन आपको हासिल ना हो जाए, चाहे वह भूमिगत जल का प्रबंधन हो या कि कमान एरिया विकास का मामला हो। हर जगह पर जब तक हमें स्थानीय समुदायों की एक प्रकार से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम अपने मतलब कि उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन समस्या है कि जो जल विभाग उन्होंने कभी सामाजिक संगठनकर्ताओं को एक प्रकार से उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, वहीं सरकारों ने जो बाहरी सरकारों के साथ संस्था का साझेदारी भी करने का प्रयास नहीं किया जिससे कि उसे जरूरी बौद्धिक और सामाजिक पूंजी नागरिक समाज बुद्धिजीवी कंपनी जगत का साथ मिल सके, इस पर कोई कदम उठाए ही नहीं गए। वही बात करते हैं कि जो भारत सरकार की तरफ से जैसे CWC और CGWP के जो पुनर्गठन के लिए जो समिति बनी थी 2015-16 में, इसमें जो तो जल प्रबंधन के लिए एकदम नया ढांचा बनाने का सुझाव दिया गया था, है ना। तो इसकी अध्यक्षता स्वयं मिहिर शाह जी ने की थी। तो उन्होंने जो है तो इन दोनों के CWC और CGWP की विलय की बातें इन्होंने प्रस्ताव किया था। साथ ही जो है तो एकदम नया राष्ट्रीय जल आयोग गठन की बात इन्होंने की थी इस अपने इस रिपोर्ट में। वहीं इस रिपोर्ट को तो हालांकि तब सरकार ने और नीति आयोग ने भी खूब ज़्यादा मतलब कि इसको सराहा था, है ना। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी सराहा, साथ ही भारत में सामाजिक विज्ञान की जो अग्रणी जो जनरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है उस रिपोर्ट में भी तो इसी पूरे रिपोर्ट को ही फोकस करके एक अंक ही निकाल दिया गया था, इतना ज़्यादा इसको मतलब तब अप्रिशिएट किया गया था। हालांकि इस रिपोर्ट पर सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई होती दिखी नहीं, है ना। यदि हम बात करते हैं कि हालांकि अब यदि वर्तमान समय की बात करते हैं जैसे जल शक्ति मंत्रालय का सरकार ने गठन करने का प्रयास कदम उठा अहम कदम उठाया है जो कि बहुत इसी का अगला चरण माना जा सकता है। तो हालांकि ये निश्चित तौर पर प्रयास प्रशंसनीय है। सिंचाई और पेयजल विभाग को भी एक मंत्रालय में ला दिया गया यानी कि इन दोनों को भी इंटीग्रेट करके जो जल शक्ति मंत्रालय बना दिया गया है तो ये निश्चित तौर पर एक प्रभावी कदम हो सकता है सरकार के द्वारा। साथ ही जैसे कि अब जैसे दोनों विभागों को एक दूसरे से एक प्रकार से इंटीग्रेट कर दिया गया है तो जो काम करने के जो तरीके हैं इन दोनों में जो समन्वय का अभाव पहले देखने को मिलता था वो भी अब यहाँ पास जो डिस्प्यूट वो खत्म होकर के दोनों में एक प्रकार से एक समन्वय स्थापित होगा जिससे कि जो काम है तो उसकी गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ
इसी में इसी को उस पर जो जल जीवन अभियान भी लागू होने की बातें हुई, तो ये भी जो है तो इसके लिए एक प्रकार से महत्वाकांक्षी जल जीवन अभियान ही है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि जो साफ और सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने की बात की जाए, तो वो तरीके यानी कि हम जैसे कि जल स्रोत को मात्रात्मक और गुणात्मक स्तर दोनों स्तरों पर ही टिकाऊ बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। जब तक कि हम इनको एक प्रकार से सस्टेनेबल उसके हिसाब से सस्टेन लंबे समय तक के लिए नहीं मतलब कि सहेज पाएंगे, तो हम जो हमारे ये सपने हैं सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने का, तो ये निश्चित तौर पर अधूरा ही रह जाएगा है ना। और इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो पानी का जो बड़ा हिस्सा है जैसे जल भंडारों, इन्हें जो है तो जल भंडारों से पहुंचाया जाएगा जिनका इस्तेमाल जैसे सिंचाई के लिए भी हो है ना। सिंचाई पेयजल विभाग के साथ मिलकर के काम के बगैर तो जल भंडार को टिकाऊ हम बना ही नहीं सकते, यानी कि इन दोनों को इंटीग्रेट करने की इन दोनों विभागों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि तालमेल तभी बेहतर तरीके से बैठ पाएगा। इसके अलावा यदि बात करते हैं कि जो भागीदारी आधारित प्रबंधन के बगैर तो जल भंडारों में भूमिगत जल खत्म होने लगेगा, तो भागीदारी आधारित जल प्रबंधन में भी एक प्रकार से तालमेल बैठाने की जरूरत है। इसके लिए देश भर में जो तेजी से गायब हो रहे जो भूजल विभाग हैं उनको भी सशक्त करने के साथ ही भूजल के प्रबंधन में प्राथमिक हितधारक जो हैं उनको भी एक प्रकार से उनकी भी हेल्प लेने की जरूरत है। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय जो सरकार ने गठित किया है, तो जो जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके बारे में देखा जाए तो ये जो है तो दो मंत्रालयों को इसमें विलय कर दिया गया है ना। ये दोनों मंत्रालय कौन कौन से हैं, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को और साथ ही साथ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को, इन दोनों मंत्रालयों को मिला करके बनाया गया है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, ये जो है तो अब जब जल संबंधी जो सभी कार्य हैं अब इसी मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के दायरे में आएंगे। साथ ही साथ इससे पहले क्या था कि जैसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो जल संबंधी कार्य का निर्वहन अलग अलग किया जाता था, जैसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो अधिकांश नदियों के संरक्षण का कार्य किया जाता था, तो वहीं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जल शहरी जल आपूर्ति की देख रेख की जाती था। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, यानी इस प्रकार से देखा जाए कि चीज़ तो एक ही थी लेकिन अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग प्रकार से मतलब कि मैनेजमेंट होता था, जिससे जो है तो समन्वय का बिल्कुल अभाव हो देखने को मिल रहा था और बेहतर तरीके से इस संसाधन का हम प्रबंधन नहीं कर पाते थे है ना। क्योंकि चीज़ तो वही थी ना, एक ही थी, वो प्लस प्लेसेस अलग अलग थे। तो अब यदि हम एक ही चीज़ पे फोकस हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर इसका बेहतर तरीके से प्रबंधन हो जाएगा, क्योंकि हमारा अब लक्ष्य सिर्फ एक ही होगा कि जल को इसको बेहतर तरीके से प्रबंधन करना है ना। तो हमारे हितों का टकराव नहीं होगा और निश्चित तौर पर इसका बेहतर तरीके से प्रबंधन भी हो पाएगा है ना। और आप लोगों को यहाँ पास बताना है कि एक कमेंट बॉक्स पर लिख के कि जो जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है तो इसके जो मंत्री हैं कौन हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा मुझे। साथ ही हम चलते हैं कि जो जल संकट का जो वैश्विक परिदृश्य में बात की जाए कि किस प्रकार से जल संकट आज एक भयावह समस्या भारत के लिए नहीं इवन विश्व के लिए भी किस प्रकार से चुनौती पेश कर रहा है, तो इसके संदर्भ में हम कुछ आंकड़ों पे गौर करें। जैसे कि जो जल संसाधन की जो जिस प्रकार से मांग बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज और जनसंख्या विस्फोट के कारण जो है तो जल की उपलब्धता में कमी तो देखी जा ही रही है। साथ ही साथ एक अनुमान के अनुसार यदि बात करते हैं कि एशिया और एशिया का जो मध्य पूर्व क्षेत्र है, वहीं उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान तुर्की अफगानिस्तान स्पेन जो आदि देश हैं उनमें लगभग 2040 तक जो है तो बहुत ही ज़्यादा वाटर स्ट्रेस की संभावना देखी जा रही है ना, व्यक्त की गई है वाटर स्ट्रेस की। साथ ही साथ यदि बात करते हैं कि भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है ना सहित कई अन्य देशों को भी उच्च जल तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि हम बात करें जैसे कि हम बात करें वाटर रिसोर्स की, तो हालांकि दुनिया में लगभग 70% हिस्सा तो पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से भी जो 70% में से भी लगभग लगभग 2.5% ही जल जो है तो हमारा ताज़ा है यानी पेय योग्य है। अब इसमें से बात करते हैं कि इसमें भी जो है तो झील और नदियों में लगभग लगभग 1% से भी कम मीठा जल सुलभ है। वहीं शेष जो ताज़े जल में से 1/3 की जो भूमिगत जल से आपूर्ति होती है, 1/3 जो है तो भूमिगत जल से मिलता है, यानी कि यह अच्छी तरह से संचित है, जबकि अन्य 2/3 जो है सुदूर बर्फ से ढका हुआ है, ग्लेशियरों में आबद्ध है। निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से यानी कितना कम मात्रा में जो है तो एक प्रकार से मीठा सुलभ जल पेय योग्य है, लेकिन फिर भी हम इसकी महत्ता को नहीं समझते हैं है ना। तो हमें ये निश्चित तौर पर जानने की जरूरत है। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए कि भारत में जो जल संकट की समस्या है, तो इसमें यदि कुछ प्रकाश किया जाए डाला जाए तो इसकी खपत और उपलब्धता के संदर्भ में देखा जाए तो जो कुल खपत का लगभग लगभग 85% जो है तो खेती में व्यय होता है। हम देख सकते हैं कि 85% जो है तो कृषि में जल का मतलब कि वो दोहन होता है, वहीं 5% जो है तो उद्योगों में इसका दोहन होता है, वहीं सॉरी 10% उद्योगों में और 5% जो है तो पानी घरों में इस्तेमाल होता है ना।
इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जल का किस प्रकार से प्रयोग होता है। अब यदि हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में जल संकट की स्थिति के बारे में देखा जाए, तो जैसे कि जो भारत में पिछले 2 वर्षों से लगातार जैसे मानसून एक प्रकार से बेतरतीब, उसका अव्यवस्थित तरीके से है ना, कोई फिक्स नहीं है, कमज़ोर मानसून के कारण जो 330 मिलियन लोग या देश के लगभग 1/4 जनसंख्या कह सकते हैं तो गंभीर सूखे से प्रभावित है, वहीं भारत के लगभग 50% क्षेत्र तो सूखे जैसी स्थिति से ही जूझ रहे हैं, है ना। वहीं बात करें कि विशेष रूप से जैसे पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में जल संकट की बहुत ही ज़्यादा से गंभीर समस्या देखने को मिल रही है ना। उनमें से चेन्नई की बात की जाए, चेन्नई शहर तो जो है तो विश्व में भी आज एक प्रकार से टॉप नंबर 1 पे आ चुका है, जो कि वाटर स्ट्रेस से गंभीर संकट से जूझ रहा है। वहीं हम यदि बात करते हैं कि नीति आयोग द्वारा भी 2018 में जो जारी जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, उसमें भी लगभग लगभग देश के 21 प्रमुख शहर जिसमें से दिल्ली भी शामिल है ना, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, ये टॉप 4 भी मेट्रो सिटी हैं, तो इन शहरों में जो है तो निवासरत लगभग लगभग 100 मिलियन लोग जो हैं तो जल संकट की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। और भारत के लगभग 12% जनसंख्या पहले से ही डे जीरो की परिस्थितियों में रह रही है ना। यानी कि हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंभीर समस्या यहाँ पास मतलब कि देखी जा सकती है। तो जबकि इसमें से जो ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं ये तो नदियों के किनारे ही हैं, लेकिन नदियों को इस प्रकार से उन्होंने बेतरतीब तरीके से उसका दोहन किया गया उसके जल का, कि आज नदियाँ सूखने की कगार पर आ गई हैं, है ना। यदि हम बात करते हैं कि चेन्नई की बात करें, तो चेन्नई तो आज विश्व में नंबर 1 पे आ गया है जल संकट की स्थिति पे, जहाँ पास की चेन्नई की जो 4 झीलें थी तो वहाँ पास इस प्रकार से जल इतना ज़्यादा दोहन उसका हुआ कि वो चारों झीलें जो चेन्नई की सूख चुकी हैं आज, है। वहीं हम डे जीरो की बात करते हैं, तो जो डे जीरो है वो केप टाउन शहर में जो पानी के उपभोग को सीमित तो प्रबंधित करने हेतु एक पर सभी लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए जो डे जीरो का विचार पेश किया गया था ना, केप टाउन शहर में, यानी कि वाटर को मैनेजमेंट संबंधित, इसकी महत्ता को समझने संबंधित जो है तो डे जीरो डिसाइड हुआ था, ताकि जो जल का उपयोग है उसको सीमित करने संबंधी प्रबंधन और जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। ये डे जीरो था। वही यदि हम बात करते हैं कि जो पानी की कमी के साथ रहने वाले जो लोगों की सूची में जो भारत की बात करते हैं, तो भारत सबसे टॉप पर है ना। वहीं भारत में लगभग 1 अरब लोग जो है पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिसमें से लगभग 600 मिलियन लोग तो पानी के एक प्रकार से एक्सट्रीम तनाव वाले क्षेत्रों में रहते हैं। वहीं 2016 में यदि बात करें तो 302 जिलों के लगभग 330 मिलियन लोग जो है सूखे से प्रभावित थे। तो वहीं देश की 21% से अधिक बीमारियां भी पानी से ही संबंधित हैं, है ना। 2015 में भारत में 5 साल से कम उम्र के लगभग 1 लाख बच्चों की मृत्यु भी दस्त के कारण देखने को मिली थी, यानी कि खराब पानी की समस्या किस प्रकार से देखी जा सकती है, ये भी एक प्रकार से भयावह संकट ही इसको माना जा सकता है। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जहाँ पास बेंगलुरु जल्दी भूजल की समाप्ति वाले दुनिया के 11 शहरों में से एक उसने मतलब होने की बात की है, तो ये रिपोर्ट ये में ये भी कहा गया है कि 2020 तक जो डे जीरो है तो भारत के बेंगलुरु और 20 अन्य प्रमुख शहरों, दिल्ली उसमें शामिल है, को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे कि अनुमानतः लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। यानी कितनी ज़्यादा गंभीर एक प्रकार से संकट का ही ये संकेत है कि यदि हम इसी प्रकार से इसको दोहन को करते रहे तो निश्चित तौर पे आगे और भी ज़्यादा संकट समस्या भयावह होती जाएगी, है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि भारत में जो जल संकट है तो उसके कारण क्या क्या है हो सकते हैं, है ना। तो जो भारत में जो जल संकट की जो समस्या है तो मुख्यतः तो दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भागों में देखी जा सकती है ना। इन क्षेत्रों की जो भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि यहाँ पास बहुत कम वर्षा होती है, जैसे चेन्नई तट पर बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून से तो वर्षा यहाँ पास होती ही नहीं है ना, छाया वाले क्षेत्र पे आ जाता है ये। इसी प्रकार से उत्तर पश्चिम में मानसून पहुँचते पहुँचते एक प्रकार से कमज़ोर हो जाता है, जिससे यहाँ पास वर्षा भी नहीं हो पाती, उत्तर पश्चिम भी मानसून से अप्रभावित ही रहता है। वहीं तो बात करते हैं कि भारत में जो मानसून की अस्थिरता भी हुई है तो जल संकट के लिए निश्चित तौर पर बड़ा कारण है। वहीं हाल ही के वर्षों में जैसे एलनीनो के प्रभाव के कारण भी वर्षा कम हुई, तो जिस कारण जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई ना। हालांकि बिहार जैसे क्षेत्रों में तो जल बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अप्रत्याशित तरीके से मानसून की वजह से बहुत ही ज़्यादा वर्षा संकट भी देखने को मिला। तो यदि हम बात करते हैं तो वहीं भारत की कृषि पारिस्थितिकी भी ऐसी फसलों के अनुकूल है जिसके उत्पादन में बहुत ज़्यादा जल लगता है, तो जैसे कि चावल, गेहूं, गन्ना, जूट और कपास, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि जल इनमें दोहन होता है। तो इन फसलों वाले कृषि क्षेत्र में जल संकट की समस्या विशेष रूप से विद्यमान है। वहीं हरियाणा, पंजाब में भी कृषि गहनता से ही जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है ना। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं कि एक और कारण के तौर पर हम पंजाब के संदर्भ में बात की जाए, तो यहाँ पर जैसे कि मुफ्त बिजली दी गई थी, यहाँ पर लोगों का माइंडसेट भी ऐसा हो गया था कि जैसे कि
यहाँ पास किसानों के लिए मुफ्त बिजली थी, तो लोग क्या करते थे कि यहाँ पास मोटर जो है तो चालू कर देते थे और उसको बेतरतीब तरीके से वो चलता ही रहता, चाहे उसका पानी कहीं भी जाए। तो इससे भी जो है तो यहाँ के इन क्षेत्रों का जो वाटर लेवल है तो बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ है। यानी कि इसके लिए जो है तो एक प्रकार से मानसिकता भी काम करती है कि किस प्रकार से यहाँ पास जो है तो एक मुफ्त बिजली देने पे किस प्रकार से वो इतना ज़्यादा मोटर चला के किस प्रकार से, चाहे वो कृषि भी जा रहा हो पानी या कहीं भी जा रहा हो, उसका दुरुपयोग होता है। तो ये भी जो तो संभावित कारणों में से हैं। वहीं यदि बात करते हैं कि भारतीय शहरों में जो जल संसाधन के पुनर्प्रयोग के जो गंभीर प्रयास नहीं किए जाते हैं, यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में जल संकट की समस्या चिंताजनक स्थिति में भी पहुँच गई है ना। वहीं शहरों में ज़्यादातर जल के पुनर्प्रयोग के बजाय उन्हें सीधे किसी नदी में प्रवाहित करा दिया जाता है। वहीं हम लोगों के बीच जल संरक्षण को लेकर भी जागरूकता के अभाव की वजह से भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। वहीं जल का दुरुपयोग लगातार बढ़ ही रहा है, जहाँ पास जैसे कि गाड़ी धुलाई पानी के उपयोग समय ये चीज़ें जो होती है, ये भी एक प्रकार से लापरवाही से भी जो है तो ये जल संकट आज भयावह होता जा रहा है ना। अभी हम बात करते हैं कि जल संरक्षण हेतु तो जो प्रयास किए गए हैं तो उसके संदर्भ में देखा जाए तो जो सतत विकास लक्ष्य जो गोल 6 है उसके तहत 2030 तक तो सभी लोगों के लिए पानी की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करने का टारगेट है 2030 तक, है ना। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसके संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान समय में जो कृषि गहनता के कारण जल के जो अत्यधिक प्रयोग हो तो उसको कम करने हेतु तो कम पानी वाली फसलों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसमें दिया भी जा रहा है ना। साथ ही साथ जो सेकंड जो हरित क्रांति थी उसमें कम जल गहनता वाली जो फसल है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। वहीं बांधों के माध्यम से जल को संरक्षित करने का भी प्रयास किया जा रहा है, तो सरकार द्वारा बांध को भी मेंटेन और पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक से भी सहयोग लिया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा शहर में भवन निर्माण के दौरान ही जल संकट जल संभरण कार्यक्रम के तहत पानी के टैंकों के निर्माण के लिए जो दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं नीति आयोग ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल के प्रभावी प्रयोग को प्रेरित करने के लिए समग्र जल प्रबंधन जैसे सूचकांक भी जारी किए हैं, ताकि जो लोगों को जागरूक भी किया जा सके और जल को बेहतर तरीके से प्रबंधन करने में कुछ दिशा निर्देश भी दिए जा सके। यदि हम बात करते हैं कि जो केंद्र सरकार ने जैसे अभी अपने इस पे जून जुलाई 19 में जो तो केंद्र सरकार ने मिशन मोड पर एक प्रकार से काम करने की रणनीति तैयार की है, जैसे कि अतिरिक्त तो संयुक्त सचिव समेत लगभग 255 वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको केंद्र सरकार ने क्या किया, जल शक्ति अभियान के तहत जो है तो ये जो है देश में पानी की कमी वाले जो जिले हैं, है ना, तो उनका प्रभारी इनको बनाया गया है, 255 IAS अधिकारी संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारियों को, ताकि जो इन इलाकों पे जो है तो यानी कि ये जो ज़्यादा पानी की कमी वाले जो जिले हैं तो इनमें जल संरक्षण की योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सके। इसका मकसद जल संरक्षण और सिंचाई को एक प्रकार से कुशलता को जन आंदोलन बनाना है ना। साथ ही सरकार ने जो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 255 ऐसे जिलों की पहचान की है ना, तो पानी की कमी वाले लगभग 1593 ब्लॉकों की भी पहचान की गई है। इसमें से 313 ब्लॉकों को गंभीर संकट पानी का यहाँ पास देखने को मिल रहा है। तो वहीं देश में साल भर में जहाँ बारिश से जो पानी मिलता है उसका केवल 8% ही हम सहेज कर पा रहे हैं, यानी कि हम देख सकते हैं कि हम पानी की जो सहेजने यानी कि जो वाटर मतलब बरसात होती है उस समय जो है पानी को सहेजने में मतलब कुछ ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो जो पानी जल संकट की समस्या है तो ये भी निश्चित तौर पर इससे भी बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है ना। वहीं यदि हम बात करते हैं कि जल शक्ति अभियान की बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मनरेगा और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो एकीकृत जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम है उसके साथ साथ जल शक्ति और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो चलाई जा रही मौजूदा जल पुनर्भरण और वनीकरण योजना है उसके तहत जल संचयन संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों में भी एक प्रकार से तेजी लाना इसका उद्देश्य है। साथ ही जो तो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी इस कार्यक्रम की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाएगी, है ना। तो साथ ही यदि हम बात करें इस योजना के तहत ब्लॉक और जिला स्तर पर जल संरक्षण योजना का मसौदा तैयार किया गया निश्चित तौर पर, यानी कि एक बॉटम लेवल तक जाकर के मैनेज करने के बेहतर अच्छा उदाहरण इसको माना जा सकता है ना। और ये बेहतर फसल विकल्पों और सिंचाई के लिए जल के अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा देने हेतु भी किसान विज्ञान केंद्र द्वारा भी मेले का आयोजन किया जाएगा, साथ ही साथ इनको जागरूक भी किया जाएगा। तो यदि हम वे फॉरवर्ड की बात की जाए कि आगे की राह की बात करें कि यहाँ पास और भी क्या किए जाने की ज़रूरत है, तो जैसे कि ज़्यादा पानी वाली फसल जैसे गेहूँ चावल है ना गन्ना है, तो इनकी जगह पे जो ज़्यादा पानी वेस्ट करवाते हैं तो इसकी जगह पे जो मोटे अनाज हैं उनमें उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि ये मोटे अनाज इनमें ज़्यादा पानी की खपत नहीं होती है और ज़्यादा बेहतर तरीके से इनमें प्रोटीन मिनरल्स भी होते हैं। तो क्योंकि इन फसलों के प्रयोग से लगभग 1/3 पानी को सुरक्षित किया जा सकता है। हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम फसलों को ही जहाँ पास कृषि में लगभग 85% जल अपव्यय होता है, तो
यदि हम इसकी कृषि के जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला दें तो मोटे अनाज जो उसे इसको ट्रांसफ़र कर दिया है तो लगभग एक तिहाई पानी को सुरक्षित किया जा सकेगा, जो कि साथ ही जो तो मोटे अनाज का पोषण स्तर भी काफ़ी उच्च होता है। तो निश्चित तौर पर इसमें न केवल पोषण की एक प्रकार से गुणात्मकता आएगी, खाद्य सुरक्षा भी बेहतर तरीके से होगा, वहीं जो है तो जल के संरक्षण में भी बहुत ज़्यादा कारगर कदम ये हो सकता है। वही यदि हम बात करते हैं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी कम पानी वाली फसलों के उपयोग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, है ना। हाल ही में जैसे कि तमिलनाडु सरकार द्वारा ऐसे प्रयास किए भी गए हैं। तो वहीं जल उपभोग दक्षता को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक सर्वश्रेष्ठ मामले में लगभग 30% से भी कम है। वहीं जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत जैसे देशों की अपेक्षा कम जल उपलब्धता वाले जो अमेरिका के कुछ क्षेत्र हैं उसमें भी अभी तक जल संकट की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। वही अगर यदि हम बात करते हैं कि जल जीवन अभियान को ही सफल होना है तो पूरे देश की सरकारों को नागरिक समाज के संगठनों के साथ एक प्रकार से बेहतर तरीके से तालमेल बनाने की ज़रूरत है ना। साथ ही साथ इनमें इसमें जो है तो विश्वविद्यालयों एकेडमिक और जगत की जो बेहतरीन प्रतिभा है उनको भी इसमें से जोड़ने की ज़रूरत है। साथ ही जो जल भंडार है उनका मानचित्रण किया जाए और प्रबंधन का ये यानी कि मानचित्रण जो है मैपिंग करना एक प्रबंधन के बेहतर तरीके से एक कामयाब होने की एक बेहतर पूर्व शर्त ही इसको माना जा सकता है इस अभियान के लिए, है ना। तो ये बेहद ज़रूरी है कि मानचित्रण इसका भी बेहतर तरीके से हो। साथ ही साथ जो है तो इसे अकेले सरकार ही अंजाम नहीं दे सकती, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि किसानों को भी इसमें भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और एक बार भी अपने खेतों के नीचे मौजूद ये पानी के स्वभाव को समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर अपने फसलों के चयन और पानी के इस्तेमाल में भी बेहतर तरीके से फैसला ले सकेंगे, है ना। लेकिन जो जल प्रबंधन है उसमें सबसे अहम बदलाव जो है तो भारत सरकार की फसल खरीद नीतियों में भी करने की होगी, क्योंकि किसान को जो निम्न जल उपयोग वाली जो फसलें हैं जैसे मोटे अनाज वगैरह है तो उनको भी एक स्थिर बाज़ार मुहैया कराने की ज़रूरत है ना। तभी तो इस दिशा में प्रोत्साहित हो पाएंगे। तो तब जल जीवन अभियान के तहत चिन्हित जल भंडारों को भी अत्यधिक दोहन होता रहेगा यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारत के लोगों के लिए भी जल सुरक्षा के मतलब कि एक प्रकार से बेहतर तरीके से लोगों को जल मुहैया कराने के लिए इस तरह कदम उठाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इसका मतलब है कि जैसे कृषि खाद्य सार्वजनिक वितरण और महिला बाल विकास मंत्रालय को भी जल शक्ति मंत्रालय के साथ करीबी तालमेल बिठाने की जरूरत होगी, है ना। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भी ये काम करना होगा, यानी कि एक प्रकार से बेहतर तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सभी के साथ समन्वय बैठा करके ही इससे मतलब कि एक प्रकार से निपटा जा सकता है जल संकट की समस्या से, है ना। तो बस आज के इस आर्टिकल में दोस्तों इतना ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।